का बहुत शौक है, तो पर्सनली अगर मुझे गाना डेडिकेट करना होता था बचपन में तो मैं वो गाना गाती थी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ऐसा लगता था हमें कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। देखो मेरे साथ साथ और भी लोग गा रहे हैं तो मैं जरा उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। वी हैव वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल कास्टिंग क्रू ऑफ जी करदा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स जब साथ होते हैं तो क्या क्या जी करता है आज हम सब जान लेंगे। वी हैव तमन्ना भाटिया विद अस, वी हैव सुहेल विद अस, वी हैव संवेदना विद अस एंड वी हैव सायन विद अस। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आप लोग गा रहे थे, प्लीज गा दो यार। हम गाएंगे ना सब लोग, कोई और भी गा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं वाला गाए। आप शुरू करो, आप डेडिकेट करो गाना, है ना। अरे वाह क्या बात, कहता रहे कितना भी हमको दीवाना चाहिए, ठोकर में है ये जमाना। वेरी गुड, हाउ मेनी एब्सोल्युटली। और आप तो हमें बिल्कुल किसमें, वो कौन सी फिल्म का सॉन्ग है, मैं बोल रही हूँ, दिल जाता है और उस एरा में ही चले जाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी हमको फ्रेंडशिप गोल्स दिया था एंड अभी 2023 में आप सब लोग, सात लोग हमको फ्रेंडशिप गोल्स दे रहे हो। तीन लोगों की कहानियां तुमने अक्सर देखी है, तीन चार दोस्तों की, ये सात लोगों की थोड़ा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तमन्ना स्टार्टिंग विद यू, सिंस दिस इज योर फर्स्ट वेब सीरीज, राइट? इट्स माय फर्स्ट वेब सीरीज इन हिंदी एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, क्योंकि मैंने इसके पहले ऑनसोम स्ट्रक्चर्स में काम किया है एंड आई अंडरस्टैंड द पावर दैट इट हैज व्हेन यू हैव इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन जो लिटरली सभी को रिलेट, सभी उससे रिलेट कर पाएंगे। उस किस्म का कॉन्टेंट जब बना जाता है, उस किस्म के जब कैरेक्टर्स होते हैं, सो आई फील लाइक द एंटायर यू नो पीस ऑफ कॉन्टेंट कम्स रियली स्ट्रॉन्ग। सो या आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं मुंबई से हूँ और मुझे आज तक ऐसा एक किरदार करने का मौका नहीं मिला जो मेरे निजी कैरेक्टर से इतना क्लोज है। सो या इट्स जस्ट इट्स अ ग्रेट वे फॉर मी टू काइंड ऑफ पुट आउट अ कम्प्लीटली डिफरेंट फैसेट ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आज तक शायद मैंने ज्यादा से ज्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स किए हैं या सिनेमैटिक पोर्ट्रेल्स ऑफ थिंग्स किए हैं, बट ये शायद एक बहुत ही रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन रहेगा मेरा एंड इट रियली गेव मी अ चांस टू रियली डिग डीप इनटू दिस कैरेक्टर एंड हैव फन, एंजॉय प्लेइंग लवर। सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, व्हाट कम्स इजियर टू यू, प्लेइंग लावण्य और प्लेइंग कैरेक्टर्स लाइक बबली बाउंसर और एनीथिंग एनी अदर? आई थिंक बोथ हैव देयर ओन चैलेंजेस। एक में आपको पूरी तरह से किसी और चीज में ढलना पड़ता है और एक तरीके से व्हेन यू आर प्लेइंग समथिंग क्लोजर टू यू, आई थिंक जो बहुत फाइन डिफरेंसेस होते हैं वो कम्युनिकेट करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो लाइक अरुणिमा वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट एट नो पॉइंट दैट शुड लाइक माई ओन पर्सनैलिटी शुड नॉट कम थ्रू इन एनी कैपेसिटी, क्योंकि उनकी एक डेफिनेशन थी फॉर लावण्य। ऑल्दो आई फील उन्होंने लार्जली हमें फ्लॉड कैरेक्टर्स रखा है, जैसे कि सब होते हैं, आई थिंक उसे ज्यादा ना तो ड्रामेटाइज किया गया है बट उसको सेलिब्रेट किया गया है। आई थिंक ये शो इज लार्जली सेलिब्रेशन ऑफ दी सेवन पीपल जस्ट द वे दे आर, एंड क्योंकि वो अब ये पूरा शो उनके फ्रेंडशिप के माहौल में गुजरता है, इसीलिए आप ना तो एज एन ऑडियंस उसे जज करते हैं, ना तो हमने जब हमने परफॉर्म किया तो हम कैरेक्टर्स के तौर पर भी उसे जज नहीं करते। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्नीक पीक इन टू अर्बन लाइफ इन मुंबई, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी, बट वो दोस्त हैं तो और बचपन से मतलब स्कूल वाले दोस्त हैं, तो बहुत ही मतलब बहुत गहरी बॉन्डिंग है। बिल्कुल, जैसे हमने फ्रेंड्स की बात की, मुझे लगता है फ्रेंड्स वही होते हैं जो जजमेंटल नहीं होते हैं। जी जी राइट, मेंटल होते हैं, जजमेंटल नहीं होते। एब्सोल्युटली, यही मैं बोलने वाली थी आपने कह वेल। सो यार आपकी लाइफ में तो सब सही चलता है, सीजन वन या टू हो तो फिर जी करता है, तो बड़े कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे कैसे? लाइफ सही है ना, वो वाला शो देख रही है, मैं कहना नहीं चाह रही थी, कह दिया लेकिन समझ गया, लाइफ सही है। So how you were approached for this? I auditioned for it. Okay. I auditioned for the part and it was a very long audition process because Arunima was also thinking ki kaise cast karna hai, kya hona chahiye, and when she finally got me on board, hamari meeting hai, to unhone mere ko bola you're too Delhi. To Arunima se baat karne mein mera ye jo life ka ek lingo hota hai na, because you know aap 9 saal mujhe Bombay mein ho gaye, Mumbai mein ho gaye,
और ऐसा होता था कि लाइक आप अपने दिल्ली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिंदा रखना चाहते हो अपनी बोली में, कि जैसे आप बात करते हो भाई सुन ले यार, मतलब आपको मजा आता है वो नॉस्टैल्जिया वैसे जी रहे होते हो. पर अरुणिमा को लगा था उस टाइम पे कि यार तुम तो बहुत दिल्ली हो, हाउ इंडिया मुंबई गए, तो मैंने बोला थोड़ा भरोसा रखो. तो उन्होंने थोड़ा भरोसा रखा और थोड़ी मेहनत मैंने की और फिर उससे हमने ये कैरेक्टर बनाया. और जी करता बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया था. मैंने या तो कॉमेडी की है आउट एंड आउट, या फिर बहुत डार्क कैरेक्टर्स की. दिस इज वेरी क्लोज टू हाउ पीपल इन लाइक टुडेज जनरेशन आर, कि हम लोग ऐसी रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं और ऐसी लाइफ से डील कर रहे हैं, और वो पोर्ट्रे करना बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं माफ कीजिएगा अगर मैं सबको ना ऐसा स्टेयर करके देखती हूँ, बिकॉज सबने मेरे फेवरेट कलर्स पहने हुए. व्हाइट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, पिंक इज वन ऑफ माय फेवरेट. ये वाला कलर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका मैं नाम क्या दे दूं, बट आजकल क्वेश्चंस कह सकते हैं भी यही कहना चाहता था. थैंक यू, पर अच्छा है एक्चुअली आपने भी उस कलर का पिंक टोन पहना. ओह यस, फैमिली इज ब्लू ओनली, है ना, और ये पर्पल, मतलब यार जी करता था कि शूट चलती जाए, बंद ना हो. और क्योंकि ना हम हमारे सभी कैरेक्टर्स के साथ गए कि हमारी अपनी अपनी कहानी चलती है, फिर हम सब साथ में भी आते हैं, तो ये साथ के ना बहुत थोड़े से ही दिन होते थे क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी है. तो जी हमेशा ये करता था कि यार, क्योंकि जब अपनी कहानी चलती थी तो वो सीरियस होती थी कि कोई प्रॉब्लम है या जो भी फेस कर रहे हैं. दोस्तों के साथ आके क्या भी वोरियस कर सकते हैं, तो हमें साथ में मिलकर एक करना होता था, तो ये काम कम और मस्ती ज्यादा लगती थी. तो हमेशा ये होता था कि यार ये चलते जाए. हमारा चलता रहता है. अरे वाह, मतलब ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला पे मैं कुछ और भी बोलूंगी, पर मैं पहले सायन से जान लेती हूँ. आपको देख के ही लगता है कि आपकी लाइफ में कोई मेलोड्रामा ड्रामा ये सब नहीं होगा. दोस्ती मतलब वो लाइफ टाइम वाली दोस्ती चल रही होगी. और अगर मैं शो की बात करूँ तो बेस्ट पार्ट्स क्या रहे? अपने मुंह से भी अपनी थोड़ी तारीफ करके बता दो. मैं बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं इस शो के साथ एसोसिएट हूं. ये मेरा फर्स्ट ब्रेक है, फर्स्ट बड़ा शो है. इससे पहले मैं कर चुका हूँ, नॉट एट दिस लेवल. तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था, ऑडिशन फिर अगेन ऑडिशन, फिर इंतजार करो, फिर संगी हाँ होगी और लॉक लेट्स गो. सो एक लंबा एक साल का प्रोसेस, एक साल का इतना लंबा, बहुत लंबा प्रोसेस था. और स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे ये लगा था यार बहुत मजेदार शो है. एक तो सात दोस्तों की कहानी, प्लस जिस अंदाज में अरुणिमा ने इसको विजुलाइज किया है मैंने तो वैसा देखा ही नहीं है. बहुत ही सरफेस लेवल कहानी हम नॉर्मली देखते हैं, यहाँ पे जो इम्परफेक्शंस है, जो क्रेज है, तो हम सब में कुछ ना कुछ कमियाँ है, स्ट्रेंथ है, बड़ी बुरी बात नहीं है. उसको ग्लोरीफाई नहीं किया है, उसको एक अलग अंदाज में अरुणिमा ने प्रेजेंट किया है. वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था और उसी समय सोच रहा था यार अगर जाता है तो काफी अच्छा हो जाएगा. अच्छी बात. और मुझे लगता है आजकल ये मौका मिल भी रहा है, प्रोजेक्ट तेजी से हम देख रहे हैं ना आ रहे हैं, कॉन्टेंट भी अच्छा अच्छा आ रहा है, एंड यू गेट कि आपको जो चाहिए वो मिल जाता है क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स हैं. तो ना जैसे आपने बोला कि आपका जो कैरेक्टर है लावण्या का, ये नहीं है इस तरह के किरदार, इसलिए भी आपको इंट्रीगिंग लगा और आपकी लाइफ से काफी जुड़ा हुआ है. कौन सी सिमिलैरिटीज लगी और कौन सी ऐसी, जैसे अभी सायन ने भी कहा कि वी आर परफेक्टली परफेक्ट, आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में ऐसे चीज परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप परफेक्ट? आई थिंक बात की रियलाइजेशन तो शायद लावण्या को होती है, एंड मुझे भी. आई थिंक एट 30 यू रियलाइज दैट यू आर फाइनली द अडल्ट इन योर लाइफ एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देयर इज नोबडी कमिंग टू सेव यू. एंड वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक एक पता नहीं क्या होता है, योर 20s ऐसा फील नहीं होता, बट द मोमेंट यू हिट 30 ना इट्स अ डिफरेंट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल्सो जो आपके सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, जैसे हमें बोला जाता है कि आप 10th
पास कर लो आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, फिर बोलते 12th पास कर लो आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, फिर वो लोग बोलते कि ग्रेजुएशन कर लो आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है फिर शादी कर लो फिर आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, फिर बच्चे कर लो फिर आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा. सो दिस कॉन्सेप्ट ये झूठ है, साल बाद तीन साल
हुआ था, चार साल बाद कॉन्वर्सेशन वहाँ जहाँ हमने एम किया वहीं से हम कुछ तो करते हैं। सारे एफर्ट्स वो क्यों करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं काम करता हूँ, फिर वही क्या क्या मुझे साइन नहीं दे रहे हैं, बोल रहा हूँ आपको वेरी सॉरी। ओह माय गॉड, एक ऐसी चीज जो तुमन्ना बचपन में करती है उसकी तुम हमेशा डांट देती हो। तुमन्ना तो वैसे ही मैं आ रही है ना, आई गलती करती नहीं हूँ, मुझे नहीं आई गलतियाँ तो की है, पर आई डोंट थिंक मेरे आई वेरी स्पॉइल्ड, मेरे घर में मुझे कोई नहीं डांटता। अच्छा, मैं दादी माँ थोड़ी मैं डांटती रहती थी, मैं जाके अपने भाई की कंप्लेन लगा दी थी बचपन में, सो आई वाज द कंप्लेन बॉक्स। किन बातों पर? क्या वो ठीक से पढ़ रहा है? जस्ट बोलो माय ब्रदर्स टीचर है ना, ठीक से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि मैं अपने मॉम को फोन करूं? सो आई वाज दैट इरिटेटिंग चाइल्ड जो इरिटेटिंग होते हैं, ऐसे बच्चे समझदार होते हैं, लड़कियों को तो वैसे भी बड़ा समझदार समझा जाता है। आई डोंट नो, 10 साल की उम्र में 60 साल का बिहेवियर का क्या क्या उपयोग है? इसका सेट में भी आज तक समझ में नहीं आया, बट अभी था जब था। सेट में भी ऐसा करती है तमन्ना? नहीं, आई मीन नाउ आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ बेंजामिन बटन, तो मैं थोड़ा मैं थोड़ी यूजफुल हो गई हूं, मैं थोड़ी मतलब 17-18 साल की हूं। Thank you so much, guys. Thank you so much. All of you for watching us. Bye-bye for now.